हेलो पीपल होप शेयर आर डूइंग वेल आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे इन सिविल प्रोसीजर कोड जैसा कि हमें पता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन टू में दिया हुआ है तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी डिक्री होल्डर की जो कि सेक्शन टू सब सेक्शन थ्री में बताई गई है डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है अ पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बिन पासड एक ऐसा व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री पास करी गए है यानी कि जिसके फेवर में जजमेंट आया है और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू सूट बट इन फेवर एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन इज पास ऑल्सो एन डिग्री होल्डर कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे अ होगा एन नहीं होगा कोई ऐसा पर्सन जो कि पार्टी नहीं है सूट का लेकिन उसके फेवर में एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया गया है वो भी पर्सन डिक्री होल्डर कहलाएगा ठीक है फिर सेक्शन टू सेक्शन टेन में बताया गया है जजमेंट डेटर के बारे में जजमेंट डेटर कौन होता है एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री पास करी गई यानी कि डिक्री होल्डर का उल्टा हो गया ठीक है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास करी गई है यानी कि जो केस हार गया है उसे हम लोग कहेंगे जजमेंट डेटर फिर आती है डेफिनेशन जजमेंट की जो कि सेक्शन टू सेक्शन नाइन में बताई गई है स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर और डिक्री एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि जज देता है ठीक है किस कौन से ग्राउंड्स पे देगा कौन से बेसिस पर जज ज़, जजमेंट देंगे ऑर्डर या फिर डिक्री के बेसिस पर जज जो है वो जजमेंट देते हैं ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है प्री में काफी बार पूछ लिया जाता है तो ये डिफाइंड है सेक्शन टू सेक्शन नाइन में फिर बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टीन में डिफाइंड है जिसमें इंक्लूड होता है ग्रोइंग क्रॉप ठीक है फिर बात करते हैं ऑर्डर के बारे में ऑर्डर डिफाइंड है सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टीन में फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री किसी भी कोर्ट uh, का सिविल कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन जो कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है लेकिन वो एक डिक्री नहीं है ठीक है इसके इसेंशियल्स क्या है दो इसेंशियल्स हैं जुडिशियल ऑर्डर मस्ट कंटेन डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एट इशू उस जुडिशियल ऑर्डर में डिस्कशन होना चाहिए जो भी क्वेश्चन है एट इशू जिसके लिए लड़ाई हो रही है जिसके लिए केस किया गया है रीजन्स विच लेट टू द पासिंग ऑफ ऑर्डर और रीजन क्या है आखिर में उस ऑर्डर को पास करने के लिए तो जुडिशियल ऑर्डर में ये दोनों चीजें होनी चाहिए फिर बात आती है सेक्शन टू सेक्शन फाइव की जो कि फॉरेन कोर्ट के बारे में बताता है कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है सो कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच आर नॉट गवर्न और स्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कोर्ट का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा एक ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया के अंदर नहीं है किसी फॉरन कंट्री में है जो कि एक ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है इंडिया के बाहर है और वो कोर्ट जो है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हुआ है फिर बात आती है फॉरेन जजमेंट की तो ये भी बाय नेम आपको समझ में आ रहा है जो कि सेक्शन टू सेक्शन सिक्स में डिफाइंड है कि जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट का जजमेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे फॉरेन जजमेंट ठीक है तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो हमें पढ़नी है सी सी में ये सारी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार प्री में पूछ ली जाती है फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच